नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले उत्तर प्रदेश जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों लेकर आया हूँ। आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ यूपी जीके के जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज के से यूपी जीके की क्लास नंबर 28 को आप पूरा देखिएगा। आपको लगभग मैं 25 से 26 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 26 प्रश्न में से आपको 15 प्रश्न तो करने ही सही करने ही होंगे। अगर आप 15 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी यूपी जेके अभी बहुत वीक है। आपको लगातार यूपी जेके की तैयारी करना अनिवार्य है। तो अगर आपको कच से एक नंबर सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे पिछले 27 यूपी जेके की वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाकर के आप सारी वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि यूपी जीके में कौन कौन से प्रश्न हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास नंबर 28 स्पेशल फॉर यूपी प्लस यूपी जीके की एक्सप्रेस। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बखीरा पक्षी बिहार स्थित है। तो कहां पर स्थित है बखीरा पक्षी बिहार, ये आपको बताना है। तो कौन से जनपद में बखीरा पक्षी बिहार, तो ये है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में। किसमें? संत कबीर नगर जनपद में है बखीरा पक्षी बिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। तो कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, तो ये करता है यूकेलिप्टस। कौन सा? यूकेलिप्टस, ये वृक्ष है ये पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है उन्नाव जनपद में। कहाँ पर? उन्नाव जनपद में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। तो कौन से पक्षी विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हुई थी, तो ये हुई थी नवाबगंज पक्षी विहार। किसकी? नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, तो कौन सा सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये आपको बताना है। तो ये है लाख बहोसी पक्षी विहार। कौन सा? लाख बहोसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न का सही सुमेलन कीजिए। तो आपको मिलान करना है, वो आपको बताना है कि कौन सा पक्षी विहार कहाँ पर है। आपको विकल्प दिखा दूँ या न दिखा दूँ, चलिए दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से ये ऑप्शन मिला लेने इसके हिसाब से। तो चलिए मिलाते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये है उन्नाव जनपद में। कहाँ पर? उन्नाव जनपद में है नवाबगंज पक्षी विहार। तो इसका हो जाएगा ए का दूसरा से। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये है ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। किस में? गौतम बुद्ध नगर में। तो इसका हो जाएगा तीसरे से मिलान। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये रायबरेली जनपद में। कहाँ पर? समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली जनपद में। तो इसका हो जाएगा चौथे से मिलान। पार्वती आरंगा पक्षी विहार, तो ये गोंडा जनपद में। तो इसका मिलान हो जाएगा पहला से। तो 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं, सही कूट का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो सोनभद्र में पाई जाती है डोलामाइट, पायराइट और एंडलाइसाइट। ये 2, 3, 4 ये सोनभद्र में धातुएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 की निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक बने वानिकी में लोकप्रिय था, अब ये एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। तो कौन सा पेड़ है जो पारिस्थितिकी आतंकवादी
माना जाता, तो ये माना जाता है यूकेलिप्टस। कौन सा? यूकेलिप्टस माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव बिहार है, तो कौन सा है प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव बिहार? तो ये है महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार ललितपुर जनपद में। कौन सा? महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार ललितपुर जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वानिकी नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो कितने क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए ये आपको बताना है। तो ये देश के कुल 1/3 भाग पर वन होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं राज्य में एस्बेस्टस? तो ये पाए जाते हैं मिर्जापुर जनपद में। कहाँ पर? मिर्जापुर जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना हुई? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन से वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी ये आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हुई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है 1957 में इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया तब उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी या लायन सफारी की स्थापना की जा रही। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लायन सफारी की स्थापना हो चुकी है, तो स्थापित किया गया ये रहा काट देना और ये है किया गया है ये आप नोट कर लीजिएगा। तो कहाँ पर है लायन सफारी? तो ये है इटावा जनपद में। कहाँ पर? इटावा जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद में यूरेनियम उपलब्ध है? तो ये है ललितपुर जनपद में। किस में? ललितपुर जनपद में यूरेनियम उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने की कथन ए वन नवीनीकरण संसाधन है, कारण है कि आ रहा है कि ये पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो कौन सा कूट सही है आपको बताना है? तो ए और आर दोनों कूट सही हैं, जबकि आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, तो कब शुभारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना? तो इसका शुभारंभ हुआ था 2001 में। कब? 2001 में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार? तो ये पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पर? सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित कर सही उत्तर चुनें, आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 18 में, तो मिला लीजिएगा, आपको बताना है। तो चार विकल्प पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप मिला लीजिएगा, कूट भी देख लीजिएगा आप। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने ये कूट भी देख लिए होंगे। चलिए आप मिलान करते हैं। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है चूने का पत्थर। क्या? चूने का पत्थर। तो ए का मिलान हो जाएगा 4 से। प्रयागराज किसके लिए? तो ये हो जाएगा शीशे वाली बालू ग्लास लैंड के लिए है, तो ये हो जाएगा 3 से। ललितपुर में क्या? तो तांबा, तो इसका हो जाएगा 2 से। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर वाले के लिए, तो इसका हो जाएगा पहले से मिलान। तो 4-3-2-1, तो किस विकल्प में? 4-3-2-1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो ये है सुंदरबन जनपद। कौन सा मतलब है कि कौन से जनपद में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो सोनभद्र जनपद में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है, तो कहाँ पर स्थित है सुरहाताल पक्षी विहार? तो ये स्थित है बलिया जनपद में। कहाँ पर? बलिया जनपद में सुरहाताल पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर सही है। सिलका बालू प्रयाग रेप सही। यूरेनियम झांसी में ना, ये ललितपुर में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार है, तो कौन सा है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार, ये आपको बताना है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार है हस्तनापुर वन्यजीव बिहार। कौन सा ये हस्तनापुर वन्यजीव बिहार सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज हैं जो पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। कौन रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो इनमें से कौन सा जो खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, जबकि तीन खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो जो अभ्रक है, कौन अभ्रक ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 25 की निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है यूरेनियम ये आपको बताना है। अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चनों में इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ कि यूरेनियम कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है ललितपुर जनपद में। कहाँ पर ललितपुर जनपद में यूरेनियम मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो ये किस राज्य का हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, तो ये हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है, बाकी के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान ये इसका हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे उत्तर प्रदेश जीके के ये 26 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।